हाय एवरीवन दिस इज़ फ्रॉने आज का टॉपिक है हमारा लद्दाख के ऊपर कि लद्दाख डिमांड कर रहा है कि उसको नए स्टेट सिंबल्स रादर देन आप यूटी सिंबल्स कह लीजिए उसको वो चाहिए अब यहाँ पे किस तरह की सिम्बल्स uh, की बात हो रही है आपका स्टेट बर्ड कौन सा होगा या वहाँ का लद्दाख का एनिमल कौन सा होगा तो इस पर बात चल रही है ये हम डिटेल में बात करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा ओके okay. अब देखिए ये कहान, कहानी जो है कहाँ से शुरू होती है कि जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट था फिर आपने देखा किस तरह से वो बाइफरकेट हो गया दो यूनियन टेरिटरीज बना दी गई एक जम्मू कश्मीर हो गया एक लद्दाख अब पहले तो इनके जो स्टेट सिंबल्स थे वो शेयर्ड थे पूरे जम्मू कश्मीर के शेयर्ड सिंबल्स थे लेकिन अब ये जब अलग हो गए तो दोनों ही इस तरह की यूनियन टेरेटरीज हैं जिनको खुद के सिम्बल्स चाहिए तो जब यही चीज़ इस स्लाइड में लिखी है कि जब से जम्मू कश्मीर से सेपरेट हो गया है लद्दाख तो नए बर्ड और एनिमल्स सिंबल्स इनको चाहिए और जो लोकल वाइल्ड लाइफ बॉडीज हैं यूनियन टेरिटरी की वो किन एनिमल्स और बर्ड्स के लिए बात कर रही हैं चाह रही हैं कि उनको बनाया जाए ब्लैक नेक्ड क्रेन और द स्नो लेपेड ये वो सिंबल्स चाहते हैं ये एज अ बर्ड और स्नो लेपेड ब्लैक नेक्ड क्रेन एज अ बर्ड और स्नो लेपड को एज अ एनिमल जो सिंबल है वो दिया जाए अब इस चीज़ का बैकग्राउंड यही है जो मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह से बाइफ्रिकेशन हो गई और उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है वो अराइज़ हुई कि दोनों को खुद के सिम्बल्स चाहिए अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग हो गई पहले देखिए जम्मू कश्मीर पूरा एक स्टेट है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ चल रहा था तो नए एडमिनिस्ट्रेशन टास्क जो है वो अलग अलग ग्रुप्स को असाइन हो गए किसी को कोई काम दे दिया गया इसी तरह से एक ये भी अलग से कमेटी बना दी गई कि इनका जो खुद का पहचान है लद्दाख का उसको सामने लेके आना है जिसमें नए बर्ड और नए स्टेट एनिमल डिक्लेयर करने हैं तो ये मैप है जे के का आप देख सकते हैं आ, ये आ गया आपका लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी हो गई और ये हो गई आपकी जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी पहले ये एक ही स्टेट थी तो ये वाला एरिया जो है हमारा इंडिया का ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं पहले जो स्टेट सिंबल्स थे वो क्या थे देखिए जम्मू कश्मीर जो पूरी एक स्टेट थी तो ब्लैक नेक्ट क्रेन यहाँ का स्टेट बर्ड था और कश्मीर स्टैग हंगूल जिसको कहते हैं ये स्टेट एनिमल था लेकिन ये वैसे ये दोनों स्पीशीज ही बहुत रेयर हैं और ये सिंबल्स बहुत लंबे समय से पूरे जे के सिंबल्स रहे हैं लेकिन यहाँ पे चेंज का रीज़न क्या है कि अब लद्दाख क्यों कह रहा है कि उसको हंगूल एज अ स्टेट एनिमल नहीं चाहिए उसका रीजन है अब देखिए जो ब्लैक नेक्ट क्रेन है ये ईस्टर्न लद्दाख में ही मिलती है ओके ये यहीं पे पाई जाती है समर सीज़न्स में इनका ब्रीडिंग सीजन होता है तो ये लद्दाख ये बर्ड्स आते हैं तो लद्दाख में पाए जाते हैं तो उस हिसाब से ब्लैक नेक्ड क्रेन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का सिंबल नहीं हो सकता क्योंकि ये लद्दाख में पाया जाता है और दूसरी तरफ जो कश्मीरी स्ट्राग है हंगूल ये कश्मीर में पाया जाता है ये लद्दाख का सिंबल नहीं हो सकता तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है जिसके लिए यहाँ पे बात की जा रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स अलग हो गई हैं तो सिंबल्स को भी अलग कर देना चाहिए राइट सो दिस इज द रीजन फॉर चेंज इसके लिए अगर आप देखेंगे लद्दाख के लैंग्वेज कल्चर और लैंड ऑफ लद्दाख जो है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है इस कमेटी के अलग अलग मेंबर्स हैं जो एक डेलीगेशन जो है वो होम मिनिस्टर से मिली तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इस कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं गंगापुरम किशन रेड्डी जो कि एक इंडियन पॉलिटिशियन है जो लद्दाख के कल्चर लैंड और हेरिटेज पे काम कर रहे हैं कि इसको डेवलप करना है और इसके कल्चर को एक पहचान दिलवानी है ये मिनिस्ट्री मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया के हैं और ये मेम्बर हैं भारतीय जनता पार्टी के एम हैं सिकंदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से टू से तो ये रेड्डी कमेटी जो है वो बनाई गई है तो ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि एम सी क्यू जैसे जो क्वेश्चन हैं जिन भी एग्जाम्स में आते हैं स्टेट पी सी एस यू पी एस सी इम्पॉर्टेंट है अब स्टेट सिम्बल्स की इतनी भी क्या ज़रूरत है देखिए वैसे ही यूनियन टेरेटरीज है कहने को इनको स्टेट सिम्बल्स कहा जाता है या सिम्बल्स ऑफ यूनियन टेरेटरी कह लीजिए यहाँ पे हम स्टेट सिम्बल्स बोल रहे हैं बट हियर द स्टेट द एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट है उसकी बात की जा रही है यूनियन टेरेटरी की अब कोई भी स्टेट हो कोई भी यूनियन टेरिटरी हो इंडिया की उनके सिंबल्स रहते हैं किस तरह के सिंबल्स रहते हैं स्टेट बर्ड कौन सा है स्टेट एनिमल कौन सा है स्टेट फ्लावर कौन सा है, और जो भी आपके स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछा जाता है और इनकी इंपॉर्टेंस उस रीजन में बहुत होती है और इनको कैसे चूज किया जाता है वो बर्ड्स वो एनिमल वो फ्लावर्स यूज किए जाते हैं चूज किए जाते हैं जो उसी एरिया में पाए जाते हों वहाँ की एक वहाँ पे यूनिकली पाए जाते हों और ये सिंबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिन एनिमल्स को चूज किया जाता है उनकी कंजर्वेशन के लिए सपोज ब्लैक क्रेन नेक को अगर चूज कर लिया जाता है तो उसकी कंजर्वेशन के लिए अलग स्टेप्स भी लिए जाएंगे प्रोटेक्शन एफर्ट्स इंक्रीज किए जाएंगे और वो स्पीशीज जो है उसको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा अब सिलेक्शन सिंबल का कैसे होता है अब लद्दाख की अगर बात करें तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं कंजर्वेशनिस्ट हैं वो ब्लैक क्रेन नेक्ट जो है उसके लिए बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि उसको स्टेट बर्ड बनाया जाए दिसंबर 2020 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बर्ड्स क्लब ऑफ लद्दाख जो है ये एक एनजीओ है जो वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए काम करता है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनसे मिले डेलीगेशन जो है उन्होंने यही कहा कि ब्लैक नेक्ट क्रेन जो है उसको स्टेट बर्ड और स्नो लेपेड को स्टेट एनिमल लद्दाख का चूज़ किया जाए अब ये जो दो एनिमल और बर्ड हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं स्नो लेपेड की बात करें तो स्नो लेपेड का हैबिटाट क्या है लद्दाख लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश यहाँ पे स्नो लेपेड पाया जाता है आयु सी एन रेडलेस स्टेट इज वालबल है लद्दाख में इनका पॉपुलेशन 200 से 300 सौ इंडिविजुअल्स है अब लद्दाख इज इंटरनेशनल नोन एज अ स्नो लेपेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ये स्नो लेपेड यहाँ पे इतना पाया जाता है कि इसको स्नो लेपेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इसलिए इसकी कंजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा इस रीजन में इस स्पीशीज को कंजर्वेशन चाहिए एक वीडियो बहुत पहले मैंने बनाई थी फेरेल डॉग्स पे कि फेरल डॉग से भी स्नो लेपेड को ख़तरा है कि इतने ज़्यादा डॉग का पॉपुलेशन आ, हो गया है लद्दाख में कि वो स्नो लेपेड पे भी अटैक कर रहे हैं मिलके तो इसकी कंजर्वेशन की ज़रूरत है साइंटिफिक uh, नेम है पैंथिर अंशिया इस तरह से आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा स्नो लेपेड जो है वो दिखता है फर आप देखेंगे कैमोफ्लाज कर जाता है वहाँ पर केमोफ्लाज uh, हो गया कि अपने जो सराउंडिंग्स है उसके साथ मिक्स हो जाता है लद्दाख में और इसको ठंड से भी ये फर बचाता है टेल जो है एनिमल की वो उसको बॉडी को बैलेंस रखने में हेल्प करती है और उसको कवर करता है ये फेस पे जब सोता है लेग्स अगर आप देखेंगे तो स्नो लेपेड्स पेड़ पे भी चल जाते हैं स्टीप स्लोप्स पे भी चढ़ जाते हैं नोज नेजल कैविटी इसकी हेल्प करती है वार्म द कोल्ड एयर आप क्योंकि ठंड बहुत है वहाँ पे तो कोल्ड एयर को वार्म करने में हेल्प करते हैं पॉज जो है इसको अटैक करने में या स्नो शूज़ की तरह बर्फ़ पर चलने में हेल्प करते हैं तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अब हम आते हैं ब्लैक नेक्ट क्रेन पर तो देखिए जिस तरह से पिक्चर में है इनकी नेक ब्लैक कलर की है बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है इसका हैबिटेट भी आपका ईस्टर्न लद्दाख हाई ऑल्टीट्यूड जो वेट हैं है और मार्शलैंड्स हैं वो इसका हैबिटेट है जहाँ ये पाए जाते हैं नियर थ्रेटेंड इनका आयुसियन स्टेटस है ये बर्ड्स अर्ली मार्च में यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए पहुँच जाते हैं और अक्टूबर या अर्ली नवंबर में लद्दाख से चले जाते हैं तो देयर हैबिटेट लॉस कुड लीड टू एक्सटेंशन ऑफ दिस स्पीशीज़ और अगर हैबिटेट नहीं हो तो ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट भी कर सकते हैं एटलीस्ट इस रीजन से इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो यहाँ पर इसका भी आप स्क्रीन ले सकते हैं कि कितना पॉपुलेशन है लाइफ स्पैन थर्टीन ईयर्स होता है हाइट कितनी है फाइव टू सिक्स के वेट है तो मोर डिटेल्स अबाउट ब्लैक नेक्ट क्रेन अगर आप जानना चाहते हैं अब ये एंडेमिक है एशिया एशिया वाले रीजन में ही ये जो रीजन है यहाँ पे ही ये पाए जाते हैं माइग्रेटरी वर्ड है ये तभी आप देखिए कुछ सीजन में कुछ समय के लिए ये लद्दाख में आते हैं ओबियसली इनके हैबिटेट को थ्रेट है टूरिज्म की वजह से भी थ्रेट रहती है पावर लाइंस की वजह से थ्रेट रहती है फ्री रेंजिंग जो फेरल डॉग्स ट्रे डॉग्स होते हैं उसकी वजह से इनमें थ्रेट इनको रहती है तो इनके कंजर्वेशन की बात की जा रही है अब लद्दाख क्यों इंपॉर्टेंट है ब्लैक नेक्ड क्रेन के लिए क्योंकि एक लोता आप ऑलमोस्ट मान सकते हैं इनका समर ब्रीडिंग ग्राउंड है इस बर्ड के लिए इंडिया में और जो ब्रीडिंग पेयर्स हैं अगर आप देखेंगे एट द टाइम अंडर ट्वेंटी हैं देश में इस आ, इसके लद्दाख में ट्वेंटी पेयर्स ब्लैक नेक्ट क्रेन के हैं जो ब्रीडिंग के लिए लद्दाख में है ब्लैक नेक्ट क्रेन जो है इसको बहुत एक रिस्पेक्ट के तौर से देखा जाता है जो फोक स्टोरीज हैं लद्दाख की जो गाने हैं उनमें आपको इसका इसकी प्रेजेस की बात मिलेंगी बहुत ही खूबसूरत बर्ड है तो इसके कंजर्वेशन पर बात करने के लिए इसको स्टेट बर्ड के लिए टॉप कंटेंडर है अब देखिए ऐसा नहीं है कि इन्होंने कह दिया कि स्नो लेपर्ड और ब्लैक नेक्ट क्रेन को बनाया जाए तो यही सिम्बल्स बनेंगे और भी कंटेंडर्स इनके हैं, जैसे लद्दाख उरियल हो गया ये इसी रीजन में पाया जाता है एशियाटिक इबेक्स हो गया और भी बहुत सारी स्पीशीज हैं जिनका नाम आपने ज्यादा नहीं सुना सुना होगा पालास कैट यूरेशियन यूरेशन लिंग तिबिनी तिबतन एंटीलोप हैं एक रोज फिंच है और एक और फिंच है जो यहां पे ही पाई जाती है उस, वो भी स्ट्रॉग कंटेंडर्स हैं योक वाइल्ड यॉक हो गया और तिब्बतन एंटीलोप हो गया तो ये सब जो है टॉप कंटेंडर्स में चल रहा है कंपटीशन चल रहा है कि किस एनिमल या बर्ड को यहाँ का सिंबल बनाया जाएगा क्योंकि डेफिनेटली उसके बाद उसके प्रोटेक्शन कंजर्वेशन स्टेटस में इजाफा होगा अब कंक्लूजन देखिए क्या है इसका कि लोकल आफ्टर ऑल इन द एंड आप कुछ भी कंटेंडर्स का नाम ले लीजिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगी फाइनल नॉट प्रपोजल को देगी जो करेंटली रिव्यू कर रहे हैं इस प्रपोजल को कि फाइनल सिलेक्शन जल्दी किया जाएगा और जब भी किया जाएगा हम इस वीडियो को अपडेट करेंगे तो ये सवाल है आपके लिए कंसीडर द फॉलोइंग ब्लैक नेक्स्ट क्रेन चीता फ्लाइंग स्कूल स्नो लेपेड विच ऑफ द फॉलोइंग आर विच ऑफ द अबाव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया नेटिव कौन सा है माइग्रेटरी नहीं होना चाहिए नेटिव कौन सा है इंडिया का तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम पे आंसर जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए स्मार्ट कोर्सेज हमारे ईएमआई पे पर भी अवेलेबल हैं अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पे नंबर्स दिए होंगे आप उन पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं थैंक यू सो मच